आज हम जानेंगे जाप मालास के बारे में। आप सबने देखा होगा या बहुत से लोगों ने देखा होगा कि आजकल लोग क्रिस्टल्स के जाप माला यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उनसे फायदा होता है, आप उन्हें कैसे अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जैसे कि मैंने कहा, हम आज जानेंगे जाप मालास के बारे में। आई विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल विद ऑल ऑफ यू। सो जिससे पहले कि हम जानें कि हम कैसे अपने स्पेसिफिक पर्पसेस को मैनिफेस्ट करने के लिए जाप माला, क्रिस्टल्स के अलग अलग जाप माला को यूज कर सकते हैं, कौन से मंत्रास चैंट कर सकते हैं, फर्स्ट लेट अस नो सम बेसिक थिंग्स अबाउट जाप माला। सो जो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोग जाप माला पे चैंटिंग कर रहे हैं। सो व्हाई डू पीपल डू दिस? यू नो, आप देखोगे कि आजकल यंगस्टर्स भी दे आर हैविंग द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डूइंग चैंटिंग्स मंत्रास। तो व्हाई? क्योंकि हम जब कोई भी मंत्रा चैंट करते हैं ना, उनमें बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस होती है, एनर्जी होती है। सो इट स्टार्ट शिफ्टिंग आवर एनर्जी एज वेल। आप देखोगे कि आप माइंडफुल होने लग गए हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपकी जो ऑरा है वो चेंज हो रही है, आप में एक ठहराव सा आ रहा है। जो रैट रेस रहता है ना, उसके में हम इतने उलझ जाते हैं कि एट टाइम्स वी बिकम लाइक मशीन, हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। सो व्हेन यू डू दिस चैंटिंग्स, आपके जीवन में आपको एक ठहराव सा महसूस होगा। सेकेंडली, लॉट ऑफ पीपल आस्क कि अगर घर में हम बहुत सारे लोग हैं तो हम सब एक ही जाप माला से चैंट कर सकते हैं कि नहीं। आई वुड स्ट्रांगली से कि नो, बिकॉज आपकी अपनी एक एनर्जीज है, आपने अपना कुछ एक इंटेंशन सेट किया है एंड यू आर गिविंग दैट इंटेंशन एंड दैट एनर्जी टू दैट जाप माला। तो जब दूसरा कोई यूज करता है विदाउट अगेन cleaning it and energizing it, then obviously सबकी energies overlap हो रही है। And अगर आप बार बार उसे clean कर रहे हो और फिर use कर रहे हो, तो then again it is a very tedious job. So I would always recommend कि अगर आप घर में तीन लोग हैं, चार लोग हैं जो chanting कर रहे हैं, so always keep your separate जाप मालास या जो बीड्स के माला होते हैं उसे आप सबको अलग अलग रखिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोटिस करना है, यू विल सी लॉट ऑफ पीपल वेयरिंग मालास एज नेकलेसेस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर माला एंड जो जाप माला होता है। जो रेगुलर माला जो लोग एज अ नेकलेस पहनते हैं, दोज आर लिटिल ऑर्नामेंटल होता है। जो जाप माला होता है उसमें आप देखोगे कि हर बीट के बीच में एक नॉट होता है, सो दैट इट इज ईजी फॉर यू टू डू योर जाप। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने जाप माला पे जाप करें एंड जो एज अ पीस ऑफ ऑर्नामेंट पहनते हैं, आप उसे उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करें। अब आते हैं हम नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज पे, जो इस वीडियो कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आप सबको बताने वाली हूँ। हमारे जीवन में, सबके जीवन में देयर आर लॉट ऑफ विशेस, डिजायर्स जो हम पूरा करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो हम इन जाप माला के थ्रू कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो हम जानेंगे आज। सपोजिंग यू वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, आपके लाइफ में बहुत रेस्टलेसनेस है, आप हर समय ऐसा लगता है कि आपको रोने का मन कर रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको करना क्या है, आपको व्हाइट होलाइट का माला लेना है और उसमें ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करना है। नाउ वन माला हैज 108 बीट्स, सो ऑब्वियसली डू एटलीस्ट वन राउंड एंड इट इज अप टू यू, आप कितना करना चाहते हैं, यू कैन डू मोर ऑल्सो इफ टाइम परमिट्स, आप में उतनी श्रद्धा है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक माला आप रोज कीजिए। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू कि आप जब भी कोई भी चैंटिंग करते हो ना, आप अगर रोज उस चैंटिंग को सेम टाइम पे करते हो इन द सेम प्लेस विद द सेम माला, देन यू मैनिफेस्ट थिंग्स मच फास्टर। सो इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एट सपोजिंग 7 AM, देन ट्राई टू डू इट बिटवीन 6:45 टू 7:15 AM। ऐसा नहीं कि आप कुछ एक चीज आज 7 बजे सुबह चैंट कर रहे हो, देन नेक्स्ट डे यू आर चैंटिंग इट एट 11 AM। नो, व्हेन यू डू इट रेगुलरली एट द सेम टाइम एंड द सेम प्लेस, यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स मच फास्टर। नाउ द सेकेंड issue which most of us face is related to our health. Hum chahte hain ki hamara overall health acha rahe, we all want our happiness, our well-being. To aapko kya karna hai, jo clear quartz ka mala aata hai jise hum spatik ka bhi mala kehte hain, usme aapko om namo bhagavate rudraya ka jap karna hai।
द थर्ड थिंग हम बहुत बार फील करते हैं कि जो हमारे जो चक्रास है वो ब्लॉक्ड है और हम उसे क्लीन करना चाहते हैं, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, हमें अपने प्रॉब्लम्स को इमिडिएटली सॉल्व करना है, देन यू नो यू नीड टू रिलीज द स्टक एनर्जीज एंड उसके लिए आपको चाहिए 7 चक्रा माला फॉर द चैंटिंग एंड आप चैंट करोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सो ये है आपका चैंटिंग टू क्लियर योर 7 चक्रास. अब हम ऑब्वियसली लाइफ में बहुत सारे डिज़ायर्स है जिसे हम मैनिफेस्ट करते ना चाहते हैं. इफ़ यू हैव डिज़ायर्स जो यू नो शॉर्ट टर्म डिज़ायर्स हैं एंड यू आर टेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स फॉर दैट, तो यू नो हाउ यू कैन एम्पलीफाई इट, आप उस प्रोसेस को फास्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो एक बहुत ही ब्यूटिफुल माला आती है जो है ब्लू एपेटाइट की जाप माला. You just need to chant on that mala. आप chant क्या करोगे? Now this is I always recommend कि आप जो भी आपका ईष्ट देव है या whichever god you feel the most connected with, आप उनके मंत्र को लीजिए और उस पर chant कीजिए and ट्रस्ट मी यू विल सी द मैजिक हैपनिंग. आप देखोगे कि आपकी जो डिजायर्स है आप कैसे ब्यूटिफुली मैनिफेस्ट होती है और आपकी लाइफ में चेंजेस आती है. सो यू नो आई विल रिकमेंड ईच वन ऑफ यू, अगर आप ऑलरेडी चैंटिंग करते हो सो ट्राई दीज यू नो स्पेसिफिक वेज एंड मंत्रास. अगर आप नहीं भी करते हो तो स्टार्ट चैंटिंग, यू नो स्टार्ट मेकिंग इट अ हैबिट ऑफ योर लाइफ. आप अपनी लाइफ में बहुत ग्राउंडेडनेस देखोगे, कामनेस देखोगे, आपको अंदर से एक खुशी महसूस होगी, आप देखोगे कि आपकी एनर्जीज कितनी ब्यूटिफुली चैनलाइज हो गई है एंड यू विल फील मच बेटर. सो डू यू नो टेक अप चैंटिंग ऑन माई रिकमेंडेशन एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड टू एक्सप्लोर. डू शेयर योर एक्सपीरियंसिस विद अस, हमें मैसेज में DMs में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा. इफ यू आर ऑलरेडी चैंटिंग या आप स्टार्ट करते हो तो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. लेट अस स्प्रेड दिस नॉलेज सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन बेनिफिट एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अस विद योर लव एंड अबंडेंस. कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच.